दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके लिए आपका दोस्त अंकुल आपके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं, जो इलेक्ट्रिकल टाइमर कनेक्शन के बारे में बताएंगे और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने फेस सप्लाई A1 को कनेक्ट किया है। उसके बाद हमने A1 से 25 जो हमारा नंबर होता है उससे कनेक्ट किया है, और उसके बाद दोस्तों ये हमारा 25 और 26 ये जो पॉइंट होता है ये NC पॉइंट होता है, और 26 पॉइंट से हमने LED बल्ब को एक सप्लाई दी है, फेस सप्लाई। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं LED बल्ब से हमारा जो फेस सिस्टम निकला है ये हमारा दूसरे वाले इंडिकेटर से वो कनेक्ट है। जैसे ही हम 28 नंबर होता है हमारा, ये हमारा NO पॉइंट होता है टाइमर का, ये इंडिकेटर से कनेक्ट होता है। और दोस्तों जैसे A2 सप्लाई होती है ये अपनी, इसमें हम न्यूट्रल से कनेक्ट है हमारा, ये हमारा टाइमर 240 वोल्ट पे काम करता है आप देख सकते हैं। और ये हमारी बीच में जो लगी रहती है ये टाइमिंग की सेटिंग के लिए लगी रहती है, जो 0 से लेकर 30 तक हमारा टाइम सेट किया जाता है। और ये हमारा पहले स्टार में वर्क करता है और उसके बाद हमारा ये डेल्टा में वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपके नॉलेज के लिए बता दें, जो ये हमारा 15 और 16 नंबर होता है ये NC पॉइंट होता है, और ये हमारा जो 18 नंबर होता है ये NO होता है। जब ये हमारा 18 16 के साथ काम करता है तो ये NC बन जाता है, जिससे हमारा LED बल्ब जल जाते हैं। और जैसे ही हमारा ये 25 और 26 NC होता है तो ये 25 28 के साथ कनेक्ट होके NO पॉइंट को NC बना देता है, और ये हमारा डेल्टा में काम करने लग जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे साथ, मैंने इसकी वायरिंग भी करके दिखाया हुआ है इसमें वीडियो में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले टाइमर की बात कर लें तो ये 800SG सिलेक्ट कंपनी का टाइमर है, और इसका सर्किट वायग्राम भी देख सकते हैं आप। A1 A2 दे रखा है इसमें, ये अपना 240 वोल्ट पे काम करता है, और ऐसे ही हमने 15 और 16 नंबर के बारे में बताया था, ऐसे ही दे रखा है। इसमें स्विच सेटिंग भी दे रखी है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से भी हम स्विच सेटिंग इसकी कर सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों आप सेटिंग देख सकते हैं इसकी, जैसे 1 2 3 4 हम इसमें भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग में। दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में हमारे कैसे वर्क कर रहा है, ये अभी स्टार में कनेक्ट है, और जैसे ही हमारा 10 सेकंड पूरी हुई और ये डेल्टा में चला गया। ऐसे ही हमारा मोटर वर्क करता है, शुरू में तो वह स्टार में होता है, और उसके बाद कुछ सेकंड या मिनट के बाद हमारा डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको वायरिंग के बारे में बता दूं, ये हमारा A1 सप्लाई आई, इससे हमारा एक लूप 25 नंबर से कनेक्ट है, और हमारा 25 नंबर एक हमारा LED बल्ब से कनेक्ट है। ऐसे ही हमारा ये वायर दूसरे LED बल्ब से कनेक्ट है, जो हमारा डेल्टा से कनेक्ट है, ये हमारा स्टार है। तो जैसे ही हमारा डेल्टा से कनेक्ट है, डेल्टा से हमारा एक दूसरे नंबर की जो वायर है दोस्तों, ये न्यूट्रल A2 से कनेक्ट है, A2 हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट है। ऐसे ही हमारा जो 28 नंबर है, जो NO पॉइंट है NO, वो 25 से कनेक्ट होकर हमारा NC में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमारा इससे स्टार से कनेक्ट है, और ये हमारा स्टार डेल्टा में काम करता है। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।